नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में और ये थर्टी फर्स्ट ऑफ जैन का डेटा है डेटा को एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे देन उसके बेस पे एक कंक्लूज़न निकालेंगे फिर वो लेवल जिसके बाद हम इसमें उसको प्ले करना है नहीं करना है उस लेवल को फाइंड आउट करेंगे उस लेवल पर अगर आप बाई और सेल करते हैं तो पहले किसी से भी रेस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से जरूर सलाह ले लें दोस्तों क्योंकि मैं ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल परपज़ के लिए बनाता हूँ तो छोटी सी वीडियो बना के फटाफट तो इंक्लूड करेंगे दोस्तों क्लाइंट uh, को देखते हैं क्लाइंट अच्छे खासे स्टॉक फ्यूचर निकाल के गया है जब तक तो बाई कर रहा था इंडेक्स फ्यूचर भी कंटिन्यूअसली बाई कर रहा था उसको भी निकाल के गया है कॉल बाई करके चला गया बुलिश है पुट भी बाई करके चला गया है तो नेट बेसिस में पुट शायद निकाली होंगी तो क्लाइंट थोड़ा सा फ्यूचर्स uh, में नेगेटिव है एंड uh, आपका कॉल एंड पुट की तरफ वो थोड़ा सा पॉजिटिव है क्योंकि ये उसकी राइटिंग में थी तो निकली होंगी कॉल बाई करके के गया है तो बेसिकली हेज टाइप पोजिशन क्लाइंट की आज उसने बनाने की कोशिश करी है एफ आई स्टॉक फ्यूचर की बाइंग बहुत अच्छी क्वांटिटी में है बुलिश प्रॉपर बुलिश इंडेक्स फ्यूचर भी चलिए इसने निकाले होंगे वहाँ पे नेगेटिव था कॉल निकाल के गया है और पुट भी ये टोटल बाइंग में थे तो एफ की पोजिशन टोटली बुलिश है टोटली बुलिश है इसमें कोई दो राय नहीं है तो हम कॉल को देखते हैं नेट बेसिस में कितनी पड़ी होगी इसके पास क्योंकि कॉल इसने ठीक ठाक निकाली है प्रोज़ प्रोज़ कोई इतनी खास वॉल्यूम नहीं है बट पुट राइटिंग के हिसाब से एंड कॉल राइटिंग के हिसाब से टोटली शायद माल जो है क्या कहते हैं अपना प्रीमियम मीटिंग का बनाने की सोच रहे हैं और प्रीमियम मीटिंग तो प्रोज़ का जन्म सिद्ध अधिकार है भाई चलिए आइए नेट बेसिस पे देखते हैं नेट बेसिस का डेटा इंडेक्स फ्यूचर का अभी भी नेगेटिव ही है भले ही इन्होंने 63 से माइनस फोर्टी कर ली हो क्योंकि यहाँ पर टोटली लॉन्ग में आपके जो बैठे हैं वो हैं क्लाइंट 80 से 67 तो ये तेजी तेज़ी की तरफ इशारा नहीं करते इंडेक्स फ्यूचर का डेटा स्टिल नेगेटिव है कॉल की तरफ आए तो कॉल का डेटा आई वुड से नेगेटिव है भाई कॉल का डेटा क्योंकि आप, आपके एफआई पूरे निकल चुके हैं बाइंग से आपका प्रोज पूरा राइटिंग करके बैठ गया है ऊपर के लेवल्स पे एंड तेजी में कौन है क्लाइंट जिसकी मनी बैकिंग पावर इतनी नहीं होती पैसा किस ज्यादा किसके पास होता है एफ़ एंड प्रोज़ के पास होता है तो ये दोनों तो तेज़ी करना नहीं चाह रहे हैं भाई तो ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है अब आते हैं पुट साइड की तरफ पुट साइड का डेटा थोड़ा सा पॉजिटिव है जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए उसके हिसाब से क्योंकि इसने बहुत क्वान्टिटी घटा ली है अपनी क्लाइंट ने और आपके जो एफ़ हैं उसने भी टू से टू लेख फोर पर आ गए हैं और पुट में राइटिंग पे जितनी बाइंग हो रखी थी तो बेसिकली प्रोज़ की जो पोजीशन है वो है प्रीमियम मीटिंग वाली एफ़ आपके थोड़े से अगर आप इसको कॉल का राइटिंग को हटा दिया जाए तो थोड़े से बुलिश हैं और स्पेशली स्टॉक फ्यूचर जो इन्होंने बाई किए हैं मैं इसको देख के कह सकता हूँ कि ये बुलिश है तो मिक्स टाइप का डेटा है थोड़ा सा मिक्स टाइप का डेटा है एफ स्टॉक फ्यूचर बाई करके गए हैं बट कॉल पूरी निकाल के चले गए हैं ठीक है एंड प्रोज जो है कॉल बिल्कुल राइट करके बैठे हैं आपके क्लाइंट जो है कॉल बाई करके बैठे हैं तो डेटा बिल्कुल मिक्स है दोस्तों ना तेज़ी की तरफ इशारा कर रहा है ना मंदी की तरफ इशारा कर रहा है जो मैं रीड कर पा रहा हूँ तो सिंपल सी चीज़ है बजट का दिन है वॉलेटाइल रहेगा आप थोड़ी सी बड़ी रेंज पकड़िए सत्रह हज़ार चार सौ के ऊपर बाई करिए सत्रह हज़ार दो सौ पचास के नीचे सेल करिए सेवनटीन टू फिफ्टी बिलो सेल सेवनटीन फोर हंड्रेड अबो बाई तो और पॉइंट लीजिएगा अपने पचास साठ सत्तर इतने पॉइंट लेके अपनी पोजीशन काट लीजिएगा बस यही रखिएगा और कुछ नहीं है सिमिलरली बैंक निफ्टी सेल ना करें जब तक थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड को नहीं तोड़ता बैंक निफ्टी को सेल ना करें उसमें बाई करने की ही आ, कोशिश करें थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड बिलो कैसेल लगा के बैंक निफ्टी में बाई साइड रहें बैंक निफ्टी का चार्ट बोली से मैं टेक्निकली बेसिस आपको चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि डेटा मिक्स है ठीक है क्योंकि डेटा आपका मिक्स है चलिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू गॉड ब्लेस यू ऑल